फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्सटाइल फॉर एवरीवन। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम इस वीडियो में, चैनल में, हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं जिसमें हार्ड स्किल के अलावा सॉफ्ट स्किल भी एक रीजन है। और दोस्तों, जैसा इस चैनल का उद्देश्य है कि हर आदमी, चाहे वो टेक्निकल है, क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है, उसे टेक्सटाइल में इंटरेस्ट आए। जरूरी नहीं है कि ही में भी ए टेक्सटाइल इंजीनियर, ही में भी ए हाउसवाइफ, ही और शी में भी ए पर्सन जो कि घर पे काम कर रहा है, जो कि कपड़ा खरीदने जाता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जीवन को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान इम्पॉर्टेंट है, मगर दोस्तों इसके अलावा एक चौथा भी चीज है, दैट इज ज्ञान। किसी भी पढ़ाई का तब फायदा है जब वो डे टू डे लाइफ में भी हमारे काम आए। लोग कई बार कहते हैं कि लोगों को इसमें, इन वीडियोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है, मगर दोस्तों जो भी मेरे काम आती है उन चीजों के बारे में पता होने में कोई बुराई नहीं है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे जो गारमेंट इंडस्ट्री है, इट इज फेसिंग ए मेजर चैलेंज और कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट। और जहां पे प्राइस जो है वो तो है ही है क्वालिफाई करने के लिए, पर साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम, एक्सीलेंट सर्विस, टाइमली डिलीवरी एंड क्वालिटी, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। और अगर हमें बढ़िया बनना है तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनमें हमें बढ़िया होना पड़ेगा। मैंने ज्यादातर कई जगहों पे देखा भी है कि सैंपल मांगा तो महीने महीने 15-15, 20-20 दिन निकल गए। दोस्तों, सैंपल बनने का कितना टाइम होना चाहिए? क्योंकि कस्टमर के पास टाइम नहीं है, ही विल गेट द सेम मटेरियल फ्रॉम सम अदर यूनिट्स। क्योंकि कंपटीशन है, टोटल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 70,000 यूनिट्स काम कर रही हैं, जिनमें 90% जो यूनिट्स हैं वो वुवन गारमेंट इंडस्ट्री है, बाकी निटिंग है 10% के करीब। और अगर आप जाएं एनसीआर रीजन में या बेंगलोर या राजस्थान में, तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री एवरीवेयर। तो हमें जो काम करना पड़ेगा इन चीजों के अलावा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में बिजली का बढ़ना, पेट्रोल का बढ़ना, रॉ मटेरियल का बढ़ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। पहली बार में ही सही चीज बनाना, दैट इज इन माय कंट्रोल, आवर कंट्रोल। वेस्ट कम करना, दैट इज इन आवर कंट्रोल। टाइम वेस्ट, जो टाइम वेस्टेज है उसको कंट्रोल करना, एब्सेंटिज्म को कंट्रोल करना, लेट आने को कंट्रोल करना, लैक ऑफ टीम वर्क उसको कंट्रोल करना, पुअर मैन मटेरियल हैंडलिंग इसको कंट्रोल करना, हाउसकीपिंग इसको कंट्रोल करना। लोगों का टाइम ढूंढने में निकलता है, वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज, मशीन ब्रेकडाउन में पड़ी है, हमें पेचकस ढूंढने में लग रहा है, हमें ये नहीं पता लगता कि हमने, यार अभी बटन लाए थे, हमने रखे थे अभी उसे करने के लिए, अभी मैंने धागा तो लेके आया था, उसको लगाना था, वो पता नहीं कहां पे गिर गया। तो दोस्तों, इस तरफ अगर हम काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम बाहर कंपटीशन में किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। और रीजन है, बाद बांग्लादेश और हमारे ये जो कंट्रीज हैं, ये भी हमें
आज के टाइम में कंपटीशन दे रहा है। अब अगर हम देखें अपनी प्रोडक्शन के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक वर्कर है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 10 पीस के करीब पर शिफ्ट में जो है मैन्युफैक्चर करता है, एज कंपेयर टू 18 to 20 pieces पर शिफ्ट एज कंपेयर इन हांगकांग, अगर हम उस कंट्री से कंपेयर करें, चाहे वो लेडीज ब्लाउज हो, चाहे वो शर्ट्स हो, चाहे ट्राउजर्स हो, चाहे लेडीज ड्रेस हो, तो हमने ये पाया कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत जो है वो पर शिफ्ट बहुत कम है, जबकि सेम स्पेस वहां पे लगती है, मशीनें भी सेम कॉस्ट है, बिजली भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कारण क्या है? तो आज हम उन्हीं दोनों की बात करेंगे, क्योंकि देर आर टू रीजंस फॉर लॉसेस, प्रोडक्शन जो लॉस होती है उसके दो कारण होते हैं, वन इज अवॉइडेबल एंड अदर इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल में क्या है, मशीन सेटअप टाइम, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो वो भी सब मटेरियल हैंडलिंग की बात करें, पर्सनल फैटिक टाइम है वो हमें देना ही देना होगा, इंस्पेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेटर्स वो हमें करने पड़ते हैं, डिले अलाउंसेस लाइक री थ्रेडिंग, अगर मैं स्विंग मशीन की बात करूं डिपार्टमेंट की, तो री थ्रेडिंग, बॉबिन चेंज, नीडल चेंज एटसेट्रा, ये तो टाइम लगेंगे ही लगेंगे। मगर अवॉइडेबल में क्या है, पुअर फ्लोर प्लानिंग, हमने स्टोर और जो वर्क प्लेस है उन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा दे रखा है, हमने वॉशरूम जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे बनाए हुए हैं, हमारा जो वर्कर है वो जब इंटरवल टाइम में जाता है तो 10 मिनट या 15 मिनट की बजाय वो जो है ज्यादा टाइम लेता है, वॉशरूम जाने के लिए गया तो उसे 10-15 मिनट लग जाता है, क्योंकि वॉशरूम हमने सबसे टॉप फ्लोर पे दिया हुआ है और उसे बिठा नीचे रख रखा है फर्स्ट फ्लोर पे जो है। पुअर फ्लोर प्लानिंग, दिस वी हैव टू लुक इनटू द मैटर। फिर रिडक्शन इन साइज ऑफ बॉटलनेक ऑपरेशंस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा करते हैं, मशीन का ब्रेकडाउन होना, फ्रिक्वेंट ब्रेकेज, लेट मशीन को स्टार्ट करना, 9 बजे का फैक्ट्री का टाइम है, हम एग्जैक्ट 9 बजे गेट पे आएंगे, फिर अपनी मशीन पे जाएंगे, मशीन पे जाने से पहले कपड़े चेंज करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, इट इज हैपनिंग डियर। तो लेट स्टार्ट अर्ली, जाने का टाइम 5 बजे, तो 5 बजे से पहले ही अपनी मशीन को 4:30 बजे छोड़ दिया, स्लो स्पीड, एक्सटेंसिव ब्रेक्स, एक्सेसिव मटेरियल हैंडलिंग हो रही है, तो ये क्या रीजन है? इससे क्या होता है कि मशीन की प्रोडक्शन तो डाउन डाउन होती है, पर साथ ही साथ जो डिलीवरी टाइम है वो बढ़ जाता है, और कस्टमर आज के टाइम में नहीं चाहता कि भाई 24-25 दिन की बजाय हमें 15 दिन में मटेरियल हमारे पास आ जाना चाहिए ऑर्डर देने के बाद, और ये एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी टेक्नीशियन के हाथ में कि वो इन अवॉइडेबल लॉसेस को कम करने के लिए काम करे। अब ज्यादातर हम मैनेजमेंट के ऊपर देखते हैं कि मैनेजमेंट इन चीजों के लिए हमें बताए, नो नो फ्रेंड्स, जैसा मेरा लास्ट वीडियो भी है, विन विन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हर साल हमें मिले, हमें फैसिलिटीज सारी मिलनी चाहिए, मेरे पास टाइम हो अपने दोस्तों और फैमिली के लिए, तो दोस्तों हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। अब कारण क्या है, ज्यादातर फैक्ट्रीज जब मैंने विजिट करी तो उनमें ये पाया कि कंप्यूटर या सिस्टम जो है, अब मशीनों को लिंक करना कंप्यूटर से ये नहीं है, मैनुअल वर्क चल रहा है, रजिस्टर पे गए प्रोडक्शन नोट कर ले। अब अगर मान लो 9 से 5 बजे की शिफ्ट है, मैंने 9 बजे काम दे दिया और मैं 5 बजे अगर ये देख रहा हूं कि कितने काम, कितना प्रोडक्शन हो रही है, तो दोस्तों इट इज नॉट, वो पता नहीं लगेगा,
क्योंकि जब हमने भी ज्वाइन किया था फैक्ट्रीज के अंदर तो उस समय भी ये सिस्टम नहीं थे, बट इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन की शिफ्ट में हमें ये था कि प्रोडक्शन बढ़िया आए, तो उसके लिए एवरी 2 आवर्स वी यूज टू चेक द आवर रिंग फ्रेम हैंग्स। ऐसे ही जो है गारमेंट इंडस्ट्री में हम 2-2 घंटे में अगर राउंड लेंगे एज ए सुपरवाइजर, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, हमें अगर हमारी रिपोर्ट हमारे पास होगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई किस जगह पे क्या दिक्कत आ रही है, वरना लास्ट में 5 बजे अगर ये पता लगे कि यहाँ भाई सिर्फ बनने तो 6 पीस थे और बने जो है 4, वो टाइम निकल गया, वो तो नाउ यू डोंट हैव, यू हैव टू क्राई ओवर स्प्रेड मिल्क, फट गया दूध अब आप चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। और वही अगर हम 9 बजे 11 बजे चेक कर लेते हैं और हमें पता लग जाता रीजन कि भाई उसे बटन नहीं अवेलेबल हो रहे, या पीछे से जो है वो, क्योंकि जो गारमेंट इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे एक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी दूसरे डिपार्टमेंट को सफर करती है, और मैचिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो आइडल आगे मेरा जो है स्विंग वाला जो है वो खाली बैठा है और कटिंग वाला ने जो है अपना मटेरियल जो है दिया ही नहीं है। और सबसे जरूरी है स्किल ऑफ द पर्सन। आप कुछ मत कीजिए, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर फ्लोर प्लानिंग, स्किल ऑफ द पर्सन कि कौन सा वर्कर किस जगह पे सेट है, उसकी स्किल क्या है, उसको क्या दिक्कत आती है, हो सकता है उसकी आईज ही आपकी जो है आईज वीक हो। आई हैव सीन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप वेयर द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वर्कर्स वर फाउंड लेसर, एंड व्हेन आई गो फॉर द आईज चेकिंग, जब हमने उनका आई कैंप लगाया तो आप बिलीव नहीं करेंगे 20-30% ऑफ द पीपल दे नीड स्पेक्स बट दे वर नॉट वियरिंग, एंड 2 or 3 persons फाउंड विच वर हैविंग शॉर्ट ऑफ साइटेड, दे रिक्वायर इमीडिएट ऑपरेशन। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, और क्योंकि ये हम यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग बुकिश, ये चीजें वो हैं जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने फेस करते हैं शॉप फ्लोर पे, और हम हमारे हाथ में है कंट्रोल करना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।